क्या पांचवें चरण के चुनाव के बाद फिर शुरू हो गई थर्ड फ्रंट की कवायद? क्या मिशन थर्ड फ्रंट के लिए फिर से जुट गए हैं के चंद्रशेखर राव? ना तो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और ना ही नतीजे सामने आए हैं, लेकिन केंद्र की सत्ता पर काबिज होने को लेकर सरगर्मियां जरूर तेज हो गई हैं। बीजेपी को हर हाल में सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर से लामबंदी की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव मिशन थर्ड फ्रंट में जुट गए हैं। दरअसल केंद्र में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी फ्रंट बनाने की दिशा में पहले कदम के तहत तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर ने तिरुवनंतपुरम में केरल के सीएम और सीपीएम नेता पिनरई विजयन से रात के खाने पर मुलाकात की। खबरों की माने तो इस दौरान केसीआर ने विजयन के साथ ताज़ा सियासी घटनाक्रम पर चर्चा की। खबर है कि इस मुलाकात के बाद केसीआर चेन्नई का रुख करेंगे और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से मिलेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात 13 मई को चेन्नई में होगी। हालांकि केसीआर ने अभी तक एसपी बीएसपी बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से बात की है या नहीं, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, इन दलों के बयान जरूर केसीआर की कोशिशों को बल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दल बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और इस चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यूपी में गठबंधन न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को भी हर दिन खरी खोटी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ सीटों के लिहाज से देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य पर एक छत्र राज करने वाली टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का रोल भी बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि वो खुद कोलकाता में सभी बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर ला चुकी हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए भी उनके नाम पर चर्चा होने लगी थी। ऐसे में केसीआर ने पांचवें चरण की वोटिंग के बाद क्षेत्रीय दलों से मुलाकात करने का जो कदम उठाया है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने ही पिछले साल मार्च में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस वाला फेडरल फ्रंट का विचार पेश किया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 23 मई को आ रहे नतीजे क्या फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी कराते हैं या फिर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों को एक साथ ले आते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।